सो गाइस, अगर आपका भी बजट है 40,000 रुपीज़ का और आप जो कि एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं गेमिंग एडिटिंग या लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए होते हैं यार, इस वीडियो के अंदर तेरी आज की इस वीडियो में जो कि फुल्ली फ्यूचर प्रूफ में यहाँ पे आप जो कि पीसी बिल्ड बताऊंगा गाइस, जिसमें कि आप जो कि आराम से गेमिंग वीडियो एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। वीडियो के अंदर इतनी गाइस, चैनल पे नया तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें मत जाना। सो हे गाइस, जिससे के लिए यू वॉचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ यार, ये जो कि एपीयू बेस्ड में यहाँ पे आप जो कि पीसी बिल्ड बता रहा हूँ गाइस, जिसमें कि आप जो कि इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं GTX 1650 तक। और गाइस, अगर आप जो कि ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो यार यहाँ पे आप जो कि कोई भी बॉटल नेक का इश्यू नहीं होगा गाइस, उल्टा आपका जो कि परफॉर्मेंस एनहांस होगा ही। तो चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर में हमने यूज किया गाइस एएमडी की तरफ से रहना Ryzen 5 Pro 4560G गाइस, ये जो कि एक एएमडी की तरफ से रहना Zen 2 आर्किटेक्चर का एपीयू है गाइस, जिसमें क्या कुछ 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। 3.7 GHz की इसमें कुछ बेस लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है गाइस, 4.2 GHz की बूस्ट लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, 11 MB की यहाँ पे आप उसकी कैच मेमोरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही में ये वाला प्रोसेसर जो कि 3200 MHz की DDR4 वाली रैम को सपोर्ट करता है, जिससे कि यार परफॉर्मेंस आप उसकी बढ़िया देखने को मिलेगी। और गाइस यहाँ पे आप उसकी 65W की TDP देखने को मिलती है। और गाइस इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि AMD के Radeon Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं गाइस, जो कि यार बहुत ही कैपेबल ग्राफिक्स हैं। इस पे आप जो कि आराम से 1080p लेवल पे गेमिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको जो कि कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और गाइस बात आती है यार स्ट्रीमिंग की, तो यार आपको जो कि ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़ेगा गाइस स्ट्रीमिंग के लिए, बिकॉज सर यहाँ पे आप जो कि IGPU पर स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते गाइस, आपको जो कि एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अगर आपको जो कि स्ट्रीमिंग करनी है। तो प्राइस के बारे में बात करूँ तो 17,000 to 18,000 rupees में आपको जो कि प्रोसेसर AMD कंप्यूटर से या दूसरे वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, नहीं तो यार आप जो कि इसको ऑफलाइन भी ढूंढ सकते हैं, ऑफलाइन में भी आपको जो कि अवेलेबल देखने को मिलेगा। इसके लिंक आप जी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके जो कि इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ तो गाइस, इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो किया है MSI की तरफ से वाला A320 MA Pro Max जो कि मदरबोर्ड का यूज किया है, ये जो कि AMD के फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के सारे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है गाइस। इसमें आपको जो कि 2 DDR4 वाले रैम स्लॉट भी देखने को मिलते हैं, साथ ही में यहाँ पे आपको जो कि M.2 SSD का भी स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। और गाइस इस वाले प्रोसेसर को ये वाला मदरबोर्ड आराम से जो कि कंपेटेबल हो जाएगा। और गाइस इस वाले बिल्ड के लिए भी मोर है इनफ है गाइस, इस वाले मदरबोर्ड पे आप जो कि ग्राफिक कार्ड अगर आप पेयर करते हैं तो यार यहाँ पे आपको जो कि कोई भी इशू नहीं होगा। और गाइस प्राइस की बारे में बात करूं तो 4,550 rupees में आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा गाइस, इसकी भी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उस की इस वाले मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस रैम के बारे में बात करूं तो गाइस, इस वाले पीसी बिल्ड में जो कि XBZ 8 Gamex D30 रैम का यूज किया गया, जो कि यार आपको 3200 MHz पे क्लॉक यहाँ पे आपको जो कि रैम देखने को मिलती है। DDR4 वाली 8 GB की सिंगल रैम मॉड्यूल का हमने यूज किया है, अगर आपका बजट ज्यादा तो यार आप जो कि 16 GB भी रैम इसमें यूज कर सकते हैं बिल्ड में। और गाइस प्राइस की बारे में बात करूं तो गाइस 4,200 rupees में आपको रैम देखने को मिलेगी, 8 GB गेमिंग वीडियो एडिटिंग के लिए इनफ रहेगी गाइस। लिंक आप जो कि इसकी भी रैम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से जाके आप जो कि रैम को परचेज कर सकते हैं। SSD में गाइस हमने जो कि क्रूशियल की तरफ से BX500 जो कि 240 GB की सेटा SSD का यूज किया है, बिकॉज यार यहाँ पे अगर आप जो कि M.2 SSD का यूज करते हैं तो आपको जो कि बजट स्लाइटली 40,000 से जो कि अबो चला जाता है, 42,000 तक आपका जो कि पीसी बिल्ड हो जाता है गाइस। बट यार सेटा SSD भी अच्छी खासी यहाँ पे आप जो कि परफॉर्मेंस निकाल के देगी गाइस, 240 GB की वाली SSD है, 500 MBPS की यहाँ पे आपको स्पीड प्रोवाइड कर देती है। और गाइस प्राइस के बारे में बात करूँ तो 3,000 rupees के अंदर आपको ये जो कि SSD देखने को मिल जाती है गाइस, बहुत ही बढ़िया SSD है गाइस, इसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उन जो कि इस SSD को परचेज कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव के बारे में बात करूँ तो गाइस हमने जो कि बिल्ड में वेस्टर्न इंडस्ट्री की तरफ से 1 TB की हार्ड ड्राइव का यूज किया है, 7,400 RPM पे आने वाली ये जो कि हार्ड ड्राइव है। और गाइस 1 TB की हार्ड डिस्क जो कि इनफ रहेगी, अगर आपकी जो कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा तो गाइस आप जो कि और भी ज़्यादा कैपेसिटी वाली जो कि हार्ड ड्राइव परचेज कर सकते हैं। 1 TB की हार्ड डिस्क के प्राइस के बारे में बात करूँगा 3,399 रुपीज़ में आपको जो कि हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी गाइस,
इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके की हार्ड डिस्क को भी परचेज कर सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात करूं तो गाइस आप जो की कॉर्सर की तरफ से वाला CV550W का जो की पावर सप्लाई परचेज कर सकते हैं। 550W की पावर सप्लाई मैं इसलिए चेज करूंगा अगर आप जो की इन फ्यूचर ग्राफिक कार्ड पेयर करेंगे तो यार 550W आपके पास रहेगी, तो यार यहाँ पे आप जो की कोई भी इश्यू नहीं होगा। अगर आप 450W की पावर सप्लाई लेते हैं तो यार उसमें भी जो कि ग्राफिक कार्ड आप जो कि आराम से चला लेंगे, बट यार 550W का परचेज करना मेरे हिसाब से जो कि ये बढ़िया रहेगा। और गाइस 550W की जो कि कोर्सर की तरफ से पावर सप्लाई है जो कि 80+ ब्रोन सर्टिफाइड है, साथ में यहाँ पे आप जो कि नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई देखने को मिलती है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई गाइस, यहाँ पे आप जो कि कोई भी इशू नहीं होगा। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई गाइस, प्राइस के बारे में बात करूँ तो 5450 rupees में आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके उस जगह इस वाले पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। सो इस कैरेट के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले बिल्ड में हमने जो कि चीपर ऑनर की तरफ से आने वाली MX4 जो कि मिड टावर गेमिंग कैबिनेट का यूज किया है। नवाज आप जो कि दूसरे ब्रांड के भी कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं, बट यार ये जो कि है बजट में यहाँ पे आपको ये बहुत ही बढ़िया वैल्यू ऑफर कर देती है गाइस ये वाली कैबिनेट। इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि एक 120mm का जो कि RGB फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है गाइस, साथ ही में इसमें आपको जो कि टेम्पर ग्लास POS स्टोर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। USB 3.0 2.0 की भी यहाँ पे आपको जो कि पोर्ट देखने को मिलते हैं, और साथ ही में यहाँ पे आपको जो कि फ्रंट में एक RGB स्ट्रिप देखने को मिलती है गाइस जो कि यार कैबिनेट को थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लुक जो कि प्रोवाइड करती है। और गाइस फ्रंट में आपको जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मैच टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे आपको जो कि फ्रंट में कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं जिससे कि कैबिनेट में एयर फ्लो मेंटेन रहता है और आपका PC जो कि है अच्छा परफॉर्म करेगा। प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 2599 rupees में आपको ये जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाती है जो कि यार बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। अगर आपको जो कि दूसरे भी कैबिनेट परचेज करनी है तो गाइस आप जो कि दूसरे ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं। और गाइस एक दो और कैबिनेट की लिंक मैं आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा इस वाले कैबिनेट के साथ में, कि लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से जाके आप जो कि इस वाले कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ था हमारा PC बिल गाइस जो कि यार 40,860 rupees में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है टोटली। नाउ गाइस ये जो कि करंट प्राइसेस पे बेस्ड PC है गाइस, अगर आप जो कि थोड़े दिनों के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो यार यहाँ पे जो कि प्राइसेस हो सकता है घड़ियां बढ़ सकते हैं। बाकी तरफ बहुत ही बढ़िया PC गाइस, इससे आप जो कि आराम से गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं गाइस अगर आप जो कि ग्राफिक कार्ड को इंक्लूड करते हैं तो। और गाइस सारे कंपोनेंट्स की लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, डिस्क्रिप्शन से परचेज करने से आप जो कि चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलता है। और गाइस इस वीडियो में से आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं आता जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता है उसकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।